गुजरात के सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। जब वो नहीं डरे ना खरीदे गए, तो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर की थी उन लोगों की एफिडेविट लाके पुलिस के साथ अंडर पुलिस इन सबको लाके कहा गया कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। आज का वक्त मिला था, हमारे वकीलों ने कहा कि कानून कहता है कि हमें उनको क्रॉस करने का अधिकार है, आप लाइए उन चारों को, हम पूछना चाहते हैं। चारों को पुलिस कहां लेके गई, क्या हुआ, उसको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी कि उनको वहां पे पेश करें, कोई पेश नहीं हुआ। हमारे एडवोकेट्स ने कहा कि एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आपकी जिम्मेवारी है, आप देखिए ये साइन जो नॉमिनेशन फॉर्म में है और एफिडेविट में है, क्या एक नहीं है? क्या आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को नहीं भेजोगे? क्या आप फॉरेंसिक लैब को नहीं भेजोगे? हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमारे एडवोकेट ने सवाल किया कि चार लोग हैं, एक नहीं है, क्या चारों को ख्वाब आ गया कि हमारी गलत से साइन किसी ने की है? एक साथ चारों एप्लीकेशन अलग अलग साइन करने वाले लोग एक ही टाइपिस्ट के पास जाते हैं, एक ही टाइप का डॉट कॉमा कोई फर्क नहीं, एप्लीकेशन देते कि साइन हमारी नहीं, फिर वो एक ही नोटरी के पास जाते हैं, एक ही वक्त जाते हैं, 57, 58, 59 एंड 60 नंबर सीरियल निकलता है, एक ही नोटरी करके देता है। और इसी तरह का पास्ट का एक एग्जाम्पल जो मैं आज मीडिया को 159 सूरत का असेंबली के दौरान ऐसी ही घटना घटी थी, जब दो साइन करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट लेके गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये नॉमिनेशन फॉर्म में जो सिग्नेचर है वो हमारा नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आपकी एफिडेविट आज आ रही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से नॉमिनेशन खारिज हो सकता है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जजमेंट दिया 159 सूरत असेंबली के दौरान कि ये नॉमिनेशन में आपने साइन नहीं की है, ऐसा सपोर्टर कहते हो, दरखास्त करने वाले कहते हो, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं और नॉमिनेशन वैलिड रखता हूं। क्योंकि उस वक्त पे आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन था और वो अगर खारिज होता था तो कांग्रेस को फायदा होने वाला था, इसलिए कानून कुछ और आज क्योंकि हमारा कैंडिडेट वहां रहता तो बीजेपी हार जाती,